कोपागंज स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम सभा देवकली विशनपुर में बृहस्पतिवार की देर शाम घर बाहर खेल रहे बालक की दो अज्ञात नकाबपोशों ने गुटखा की दुकान दिखाने के बहाने ले जाकर बेहोश कर उसका लिंग काट कर फरार हो गए। उधर से गुजर रहे ग्रामीणों ने खून से लखपत बालक को देख तत्काल उसके परिजनों को सूचना देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से सिरिंज और चाकू बरामद किया है। जानकारी के अनुसार कोपागंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा देवकली विशुनपुर निवासी सत्यम यादव पुत्र चंद्रशेखर यादव उम्र 12 वर्ष बृहस्पतिवार की शाम 8 बजे घर बाहर खेल रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश आए और गुटखा की दुकान पूछने लगे। सत्यम गुटखा की दुकान बता दिया, लेकिन नकाबपोश दुकान दिखाने के लिए लड़के को साथ ले गए। गांव में एकांत जगह देख उसे बेहोशी की सिरिंज लगाकर बेहोश कर दिए और चाकू से उसका लिंग जड़ से काट कर फरार हो गए। दो लड़के आए थे, एक लड़का तू चक्का लेके और खड़ा रहे तो यहाँ को भी लेट से कट ले। अच्छा अच्छा, यहाँ से लेके गए? हाँ। कहाँ लेके गए थे? अच्छा, तो जबरदस्ती लेके गए? हाँ, जबरदस्ती लेके गए। बाबू पूछा ना उसके बाबू पेप्सी का दुकान कहाँ, तो बतावा कि वही जो तो कौन उसके बाबू चल दीवा दे, तो हम बाबू करो ना कि हम ना जब दीवा बे जा रहे तो ले तो कथ हो सना ये मर दो चलता कहने दीवा दे, तो ना हम भाई गल तो कर हाथ पकड़ के ले गए ना ले जबरदस्ती ले। हाँ, तो जब ना चिल्ला ले पापा तो कर मुँह मुन ले ना लो, मुँह मुन के लेके चल गए ना लो। जानकारी हुआ कि नहीं हमारे भाई के साथ इस तरह का घटना हुआ है? नहीं। घटना कैसे जानकारी हुआ? घटना वही मेरा भाई बताया। अच्छा, भाई बताया, तो इसको कहाँ लेके पहले लेके गए? पहले कोपागंज लेके गए, तो वहाँ से रिफर करे तो वहाँ बनारस बनारस करे। मौके पर पुलिस आई थी? हाँ। पुलिस ने क्या क्या पुलिस चाकू को सब रात उठा उठा के ले गए? क्या क्या बरामद किया पुलिस ने? पुलिस हमको नहीं मालूम हो चुका के बगल हुआ। फिर आजमगढ़ से कहाँ लेके गए? बनारस। बनारस के लिए कौन सा हॉस्पिटल में? बेचू में लेके गए। अभी क्या स्थिति है लड़की का? अच्छा है, बोलो।